हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो ये वीडियो लेक्चर जो हम बना रहे हैं आज, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन क्लास छोड़ दिए थे इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास जो था। हम अक्सर आपको कहा करते हैं किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी क्लास होता है, किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास होता है, उसको कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उसी क्लास में आपको उस चैप्टर की जो समझ है ना, वो डेवलप होती है। वहीं से आप सोचना शुरू करते हैं उस चैप्टर के बारे में कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास कभी नहीं छोड़ना है किसी भी चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम जानते हैं कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। आप याद कीजिए, हम सारे सिस्टम को पढ़ लिए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े, लोकोमोशन के में स्केलेटल सिस्टम पढ़े, मस्कुलर सिस्टम पढ़े। तो इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम एक दूसरे के साथ, ये कौन करता है? ये हमारा न्यूरल सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जो हमारे बॉडी का सारा फंक्शन है, जो सारा एक्टिविटी है, वो यहाँ हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ब्रेन में ऐसा क्या है जो हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है? ऐसा क्या है उसमें? तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो कुछ भी हम अभी बोल पा रहे हैं, हम ऐसे हाथ हिला पा रहे हैं, या जो कुछ भी लिख पा रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, फिर जो बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ जो हो रहा है, मतलब हमारे शरीर का जो सारा फिजियोलॉजी है, सारा बॉडी का जो एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम से कोऑर्डिनेट होता है, एक सिस्टम से कंट्रोल होता है। उसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये जो नर्वस सिस्टम है, यही उन सारे कामों को करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर भेजने का काम करता है, इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने का काम करता है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉन्सियसनेस जो हम शो करते हैं, स्वचेतन। दैट मीन्स अगर अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आप अपने कान से सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, कैसे ये हो पा रहा है? हम बोले कि ऐसे खड़ा हो जाइए तो आप खड़ा हो जाते हैं, बोलते हैं बैठ जाइए तो आप बैठ जाते हैं, कैसे हो पा रहा है ये? तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा नर्वस सिस्टम टेक पार्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करता है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली जो है, कोई भी बाहरी उत्प्रेरक जो है, उसको देख करके हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, है ना। हम बोलेंगे दो थाप देंगे, भाग जाओ यहाँ से। तो ये जो हम बात बोले और आप भाग गए, दैट मींस कहीं ना कहीं वो जो लपड़ था, वो आपके लिए क्या था? एक स्टिमुली का काम किया और वो आपको डर से भगा दिया। तो आपने उस पर रिस्पोंड किया। आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा आता है। तो गाली क्या है? वो एक शब्द है, वो एक साउंड है, वो आपके कान ने उसको सेंस किया, आपके सेंस ऑर्गन ने उसको सेंस किया, फिर आपको गुस्सा आ जाता है और उसको चार थाप दे देते हैं आप जा करके, आप रिस्पोंड कर दिए। तो ये जो काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। तो अगर नर्वस सिस्टम को डिफाइन करने की बात आए, व्हाट इज, पूछ दे अगर नर्वस सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे? बातें बहुत सारी है कहने के लिए, आप समझते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या बोलना है, एक्चुअली में क्या लिखना है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज अ सिस्टम सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी बॉडी एक्टिविटीज। ये क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के एक्टिविटीज एंड इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड
बात करेंगे। जब भी अगर कोई पूछ दे नर्वस सिस्टम क्या है, तो वहां पर हम यही बात करेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, कोई भी पूछ दिया तो हम क्या बताएंगे, नर्वस सिस्टम क्या है भाई? तो मेरी आवाज़ सही जा रही है आप सब तक? आई होप आवाज़ सही जा रही होगी, क्योंकि एक अलग जगह से हम आज लाइव कर रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क इशू भी हो सकता है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इट इज़ ए सिस्टम बॉडी एक्टिविटीज कंडक्ट एंड तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या इंक्लूड करता है नर्वस सिस्टम हमारा। तो देखते हैं, नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। वो क्या करता है, इट इंक्लूड्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन तीनों चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर इंक्लूड करता है। अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे न्यूरॉन बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज न्यूरॉन, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हो गई हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब एक्चुअली में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन क्या है, ये न्यूरॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, किस किस चीज। इसको बोलते हैं न्यूरॉन की अगर बात करें तो ये एक सेल ही है, ये क्या है, एक सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, हम जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज स्ट्रक्चरल एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। इट हैज थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स से होते हैं इसके, तीन पार्ट में ये बना हुआ होता है। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, दूसरे को बोलते हैं डेंड्रॉन और तीसरे को बोलते हैं एक्सॉन। इस साइटोन का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ के तीन। अब इसका डायग्राम बना करके हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट क्लास जो आप लोग चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग सेल बॉडी को बनाएंगे। सेल बॉडी को अगर हम बनाएं तो सेल बॉडी देखिए कैसा होता है, सेल बॉडी के बीच में उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी मतलब उसका सेल का मेन रीजन है ना, और उसके बाद उसमें क्या रहता है, इस तरह के
आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और फाइनली इस कहलाता है। चलिए, तो ये उसका डेंड्रोन और डेंड्राइट्स हो गया, और इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और ये एक्सॉन में फिर फाइनली लास्ट में ब्रांचिंग होता है, हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर माइलिन का एक लेयर होता है, माइलिन का एक लेयर होता है जिसमें हम श्वान सेल को भी देखते हैं। ठीक है, माइलिन का एक लेयर होता है जिसमें हम लोग श्वान सेल को भी देखते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है, इसको हम अगर लेबलिंग करना स्टार्ट करें, माइलिन लेयर या माइलिन सेथ के भी नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, माइलिन सेथ के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको श्वान सेल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? श्वान सेल दिखाई देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वान सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है टर्मिनल, और ये कहलाता है आपका साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये आपका डेंड्रॉन कहलाता है, ये डेंड्राइट्स कहलाता है, ये आपका सेल बॉडी हो गया, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस ग्रेन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं निशल्स, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशल्स, ग्रेन्यूल्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? फिगर ऑफ न्यूरॉन। ये क्या हो गया आपका? न्यूरॉन हो गया। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे और इसको आप हमेशा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो चैप्टर शुरू होगा और जो चैप्टर आगे चलेगा तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इनके सारे लेबलिंग्स हमेशा आपको याद रखने होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। ये पूरा न्यूरॉन जो डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर वीडियो बीच में कट गया होगा ड्यू टू नेटवर्क इशू तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको बना लेंगे और यहाँ से आगे हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा कि ये न्यूरॉन आपको हमेशा अभी काम देने वाला है इस फुल चैप्टर में, तो सारे लेबलिंग को आप बहुत अच्छे से तरीके से याद रखेंगे, जो कि बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो इसको आप याद कीजिए, इसको देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।